नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलिया जाड़ीवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग मुझे अक्सर वीडियो में सुनते हैं, हमारे यहाँ पे हर बार हर सैटरडे संडे अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। इसी क्रम में आज भी अलग अलग स्टेट से हमारे पास में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान से। तो हम जानेंगे सभी से इनके एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन इनका एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं इनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी और सभी से निवेदन करूँगी तालियां बजाकर एक बार ज़बरदस्त इनका स्वागत किया जाए। सो मच। और इसी के साथ में एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं आज हमारे कंपनी के MD सर से निवेदन करूंगी। और जैसा कि DMIT और मिडब्रेन के बारे में आप लोग अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं सर से निवेदन करूंगी और जानेंगे इनसे कि मल्टी मिलियनेयर बनने का राज। केवल एक DMIT और मिडब्रेन का इंस्ट्रूमेंट तो सबको मिल ही चुका है, लेकिन जब तक आपके जीवन में पर्सनैलिटी और करेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी सर से और जानेंगे इनसे मल्टी मिलियनेयर बनने का राज कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन कैसे बन सकता है और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति करोड़पति किस तरह से बन सकता है। तो आइए हम सुनते हैं सर से इनके दिली उद्गारों को। मैं DD शर्मा, टीम 360 का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके सामने रूबरू हूँ। सबसे प्रथम तो जो बाहर से पधारे हुए मेहमान है उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, और उन्होंने 2 दिन की जो ट्रेनिंग ली उनमें बड़ी उन्होंने बड़ा मन लगा करके और बड़ी यानी रुचि के साथ ट्रेनिंग ली और काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने। इसके लिए मैं उनका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमने जब ऑनलाइन DMIT का टेस्ट करवाया तो लोगों की अच्छी खासी उसमें परफॉर्मेंस नज़र आई। इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं उन्हें धन्यवाद दूं कि उन्होंने ठीक से ट्रेनिंग को लिया है। अब मैं जो अंजलि ने कहा उस विषय पर आता हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई न कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास में होना चाहिए, जिससे क्या है कि नेपोलियन हिल के द्वारा बताई गई जो 12 प्रकार की अमीरी है उनको हम हासिल कर सकें। तो वो जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है वो DMIT और मिडब्रेन के रूप में आपको जो है उपलब्ध करा दिया गया है। जो जो आप इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेना सीखेंगे त्यों त्यों ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन बनता चला जाएगा। जहाँ तक मिडब्रेन है उसके साथ में कुछ एडवांस कोर्सेज हैं, जहाँ DMIT है इनका आगे आने वाले टाइम के अंदर 80,000 करोड़ से ज़्यादा डॉलर से ज़्यादा बिजनेस होने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति के सामने जो भी इस व्यवसाय से जुड़ रहा है, चाहे वो निस्वार्थ भावना से देश सेवा के लिए जुड़ रहा है, चाहे समाज सेवा के लिए जुड़ रहा है, चाहे आर्थिक लाभ के लिए जुड़ रहा है, चाहे प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए जुड़ रहा है, अथवा इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से प्राप्त करने के लिए जुड़ रहा है, उन सभी के लिए बड़ी भारी संभावनाएं हैं, बड़ा भारी पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर छिपा हुआ है। बस थोड़ी सी मेहनत करिए, विवेक के साथ करिए, मेहनत करिए, विवेक के साथ करिए, अभ्यास करिए, वैराग्य के साथ करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन धीमता। अभ्यास से ये मन जो है ये तुम्हारे अनुसार तुम्हें सिद्धियां देने लग जाएगा, और वैराग्य से क्या है आप उन विचारों पे केंद्रित रहोगे जो आप चाहते हो। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि आप चाहते क्या हैं। यूट्यूब के सभी दर्शकों को, हमारी सभी फ्रेंचाइजीज को मेरा ये आह्वान है कि आप चाहते क्या हैं उस पर अपने आप को फोकस करना आरंभ कर दें। आप अगर मल्टी मिलियनर बनना चाहते हैं दैट्स गुड, आज से ही आरंभ कर दीजिए। आपकी जीवन यात्रा में मल्टी मिलियनर होना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके रास्ते के अंदर आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। वो ईश्वरीय स्वरूप आपको जो है अवश्य ही मल्टी मिलियनर चंद दिनों में बना देगा। आप जीवन में क्या क्या चाहते हैं इम्पोर्टेंट ये है।
जो चाहते हैं उस पर मनन करिए, जो नहीं चाहते हैं उसको आप अपने डिक्शनरी से परे कर दो। पहले कभी अगर आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, मैं इस पत्नी को नहीं चाहता, मैं इस पति को नहीं चाहता, मैं ऐसा पुत्र नहीं चाहता, मैं ऐसे भ्रष्ट नेता नहीं चाहता, मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहता, मैं ऐसे गलत आदमी नहीं चाहता, इस शब्दावली को कृपा करके आज से बंद कर दें बोलना। पहले बोल दी गई कोई बात ना, आज से बंद कर दें और उसके स्थान पर ये करें, मैं क्या चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठ नेता चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठ ऑफिसर्स चाहता हूँ, मैं मेरा श्रेष्ठतम पुत्र चाहता हूँ, मैं मेरी श्रेष्ठतम पुत्री चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठतम पत्नी चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठतम दोस्त चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्स में सबको मित्र भाव से देखना चाहता हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ। और विश्वामित्र के द्वारा बताया गया मंत्र जो है वो हम एक बार बोलेंगे। मेरे साहब पर ये जो है प्रकट हुआ ये मंत्र जो है, उस मंत्र का अपन एक बार जो है बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ तो अपना DMIT वाला यंत्र है, वो अपने को जो है काम करने में सहयोग करेगा, मशीन है, मगर कुछ थोड़ी सी पर्सनैलिटी में पैराडाइम चेंज की ज़रूरत है। जब तक अपन पैराडाइम चेंज नहीं करेंगे, जो प्रॉमिज करते हैं उस पर टिकेंगे नहीं। 3 हैबिट्स स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि आप ही क्रिएटर हो अपने यानी भविष्य के, इसलिए आप तय करो कि आपको क्या चाहिए, उसकी फिर संरचना करो और उसको जीवन में उतारो। यानी आप ही हो और कोई नहीं है, सिवाय आपके और किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आप समृद्ध बनो। इसलिए ये स्लोगन कि मैं मल्टी मिलियनर हूँ, अपन 3 बार बोलेंगे, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मैं मल्टी मिलियनर, मेरे साथ जोर से बोलना, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ। अब अपन जो है एक मंत्र है, उस मंत्र का करेंगे, क्योंकि 2 प्रकार की बातें, एक तो अपन इस बाह्य जगत के अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं, मैं मल्टी मिलियनर हूँ ये कह करके अपने बाह्य लोगों को, परिस्थिति को, यूनिवर्स को, अपने आप को ये संदेश दिया कि अब मैं गरीबी जो है ना वो मेरे यहाँ से गई, मैं समृद्धि को अंगीकार करता हूँ, समृद्धि को गोद में लेता हूँ, मैं समृद्धि के संरक्षण में हूँ, ये अपन ने संदेश दिया। जो आप संदेश दोगे यानी जो कमांड दोगे यूनिवर्स वही आपको लौटाता है, इसलिए ये कमांड देना है कि मैं अमीर हूँ तो अमीरी आपके पास आएगी। जैसे किसी होटल में जाते हो, आप कहते हो चाय लाना, तो चाय तो आएगी, वो दूध थोड़ी ले आएगा, तो आपने जो कमांड दिया है वही चीज़ लौट करके आपके पास में आएगी। इकोसिस्टम है पूरे यूनिवर्स में, जैसे कुएं के अंदर बोलते हैं ना राम, तो वापस आवाज आती है राम। जो कुछ भी आप अपने मुंह से बोलोगे, चाहे वो बाह्य प्रकट आवाज़ में अथवा अंतर की आवाज़ में, तथास्तु होने वाला है, वही बात आपके जीवन में घटित होने वाली है। इसलिए बोलने में थोड़ा सावधान रहिए, जो नहीं चाहते हो उन शब्दों को आज से बंद कर दें, बोले ही नहीं। अपने को उसकी जगह थोड़ा सा भाषा को बदल कर बोलना है, जैसे मैं बीमार हुआ, बीमारी नहीं चाहते तो ये मत बोलिए मैं बीमार नहीं होना चाहता, ये बोलिए मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। थोड़ी सी तब्दीली करिए, फोकस का स्वास्थ्य पर लाइए, इंटेंशन का स्वास्थ्य पहले। वेयर इज योर इंटेंशन देयर गोज एनर्जी, वेयर इज योर फोकस देयर कंसंट्रेट योर एनर्जी। तो आपका फोकस कहाँ है, वो एक फिल्मी गाना है, ध्यान किधर है तेरा, है तेरा हीरो इधर है। तो अब अपन जो है उस मंत्र को बोलेंगे जो पीले साहब को विश्वामित्र से, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं उनमें से अधिकांश मंत्र विश्वामित्र के दिए हुए हैं, तो विश्वामित्र से, विश्व के मित्र यानी जो विश्व को मित्र भावना से देखते हैं। पहले उनका नाम था विश्वरथ, विश्वामित्र का नाम पहले विश्वरथ था, वो रथ की तरह पूरी दुनिया को रगड़े रखते थे, पूरी तरह कंट्रोल में रखते थे, पर जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और सभी के मित्र बन गए। ये विश्वामित्र से डॉक्टर पीले पर हुआ बताया, अपन ने थोड़े अपने अनुभव से इसमें कुछ जोड़ा, कुछ इसमें से ठीक किया, और अब एक
चार शब्दों का एक मंत्र अपना जो है ये बना, और इसका जिस जिन लोगों को हमने प्रयोग करवाया उनमें सारों के अंदर हजार रुपए पाने वाला, लाख पा रहा है, लाख पाने वाला, करोड़ पे चला, अनुभूत मंत्र है। इसलिए अपन अभी इसको बोलेंगे, मैंने दोपहर में भी आपको बुलाया था, वही एक बार फिर बोलेंगे। बोलेंगे इसलिए कि ताकि यूट्यूब चैनल पर भी जिन तक ये आवाज़ जा रही है उन सबको ये आलोक जो है वो मिले और ये लाभ जो है उनको मिले और उनके जीवन में भी खुशहाली आए, पूरा देश समृद्ध बने। हर भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसे जो है समृद्ध होना है। समृद्धि हम सब का मौलिक अधिकार है, हमारा जीवन का मूल्यों का आधार है जिसे हम प्राप्त करके रहेंगे। अब मेरे साथ बोलिए, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम, 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 ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नम। बस 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 बस, मेरे सभी यूट्यूब के श्रोताओं को आग्रह है, आग्रह नहीं आह्वान है, मेरे फ्रेंचाइजीज को आह्वान है कि वो इस मंत्र को 108 बार दिन भर में बोले। एक साथ बैठ करके मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट मिल लगेगी, आप इसको 108 बार अवश्य बोलें। और बोलने से क्या होएगा कि जो आपके अंदर एक डायलॉग चलता रहता है निगेटिव बातों का, अंदर अंदर आपके विचार आते हैं निगेटिव, अधकचरे विचार आते हैं, बीसों तरह की इच्छाएं बनती है, अपने को उन सबको हटा करके इस मंत्र से क्या हो गया, आपके जो आंतरिक डायलॉग है, जो आंतरिक वार्तालाप है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऊंची हो जाएगी और अच्छे विचार आने लग जाएंगे। इस मंत्र की फ्रिक्वेंसी ऊंची है, इसलिए वो ऊंची फ्रिक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क से जब कोई भी फ्रिक्वेंसी लोअर मिलती है तो हायर लेवल पे चला जाता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हायर ट्यूनिंग फोर्क है ये मंत्र, और आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी इसके साथ जुड़ेगी तो हायर फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। तो आप में क्या होने लगेगा, ये होगा कि जो 250 ट्रिलियन न्यूरॉन्स आपके दिमाग में हैं, जिनमें 70% सोए पड़े हैं, आपके डीएनए सोए पड़े हैं, उनमें से कुछ डीएनए जग जाएंगे, जिसे संत लोग कहते हैं जागरण हो गया, आंतरिक जागरण हो गया। तो वो जो अंतर में सोए पड़े हैं वो जग जाएंगे, और वो कुछ थोड़े बहुत भी जगे तो आप क्या है कि सामान्य से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनना आरम्भ कर दोगे। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का प्रोसेस आपके अंदर शुरू हो जाएगा। गरीब से मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय से अमीर बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मूर्ख से समझदार बनने का, समझदार से विद्वान बनने का प्रोसेस जो है वो आप में शुरू हो जाएगा। मैं मेरे पूरे संकल्प के साथ आपको ये वादा दिलाता हूँ कि जो भी इस मंत्र को 108 बार करेगा, 21 दिन तक करेगा, उसके जीवन में इस प्रकार के अवसर आने लग जाएंगे और वो पकड़ने लग जाएगा। अवसर तो सभी के जीवन में आते हैं, पर वो पकड़ ले हुए और ये कहे मैं इसको काम में ले लूँगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो पकड़ने की शक्ति है अवसर को, वो आपके अंदर जो है विकसित हो जाएगी। दूसरी, आपका फोकस, अब बार वाली बात भी करना जरूर, समस्याओं पे नहीं रह करके समाधान पे फोकस करिए, नहीं चाहते उसकी बजाय जो चाहते हैं उस पर फोकस करिए। और एक बार गर्व से ये बात कहिए कि हमने जो ये ट्रेनिंग पाई है उसके लिए हम गौरवान्वित हैं। मेरे साथ बोलिए, हमने ये जो ट्रेनिंग पाई है इसके लिए गौरवान्वित हैं, और हम लोगों को ये चीज़ सेल करेंगे गर्व के साथ। सेलिंग इज ए प्रेस्टिजियस बिजनेस, चीन में और कोई विशेष बात नहीं है, सेलिंग है, और सेलिंग के कारण आज चीन कहाँ का कहाँ जा रहा है, और अपने यहाँ क्या है, सेलिंग को ही दृष्टि से देखा जाता है। तो आप सेलिंग को प्रेस्टीज के साथ देखिए, और अपने आप को मल्टी मिलियनर बनाने वाला जो मंत्र है उसको भी 108 बार प्रतिदिन बोलेंगे। और अगर कांच के सामने खड़े होकर के बोले और सुंदर है, चलो नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे बोले, इन दो मंत्रों का आपको रोजाना 100 बार उच्चारण करना है, और 21वें दिन मुझे टेलीफोन करके बुलाओगे, बताओगे कि आपके जीवन में किस तरह की अब परिस्थिति आने लगी, जीवन अनुकूल हो गया, अनुकूल जो है
अवसर आने लगे, वो अवसर चला चला करके अपने पास आने लगे, जिनकी कि अपने को पहले चाहत हुआ करती थी लेकिन आए नहीं, अब वो चला चला करके वो अवसर जो है आने लगे। इसी के साथ में एक बार अपनी इस उपलब्धि के लिए कि आप इस एक अच्छे मिशन के साथ जुड़े हैं, लोगों को समृद्ध बनाने का मिशन, सुयोग्य बनाने का मिशन, और भारत को फिर से यानी विश्व गुरु बनाने का जो मिशन है इसके साथ जुड़े हैं, इसके लिए एक बार फिर से 2 मिनट तालियां बजा करके अपना आपका स्वागत करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में अब मैं हमारी आई वी फ्रेंचाइजीज से निवेदन करूंगी, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक एक का मैं एक्सपीरियंस आपके सामने सभी से आपका एक्सपीरियंस रूबरू करवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे वकील साहब जी, आप आ जाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इनका नाम है मनोज जी, ये बिहार से यहाँ पर आए हैं, तो चलिए हम सुनते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। मैं समस्तीपुर ज़िले में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान देते आया हूं। आप पिछले एक महीने पहले मुझे जो है सो डीएमआईटी और ब्रेन एक्टिवेशन वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली कि इस तरह का कुछ है जो कि लोगों को प्रेरित करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें अपनी प्रतिभा को लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है सो फिर आगे उसके अनुरूप अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने जब देखा यूट्यूब में टीम 360 के बारे में, तो फिर मैंने कांटेक्ट किया इन लोगों से, मैंने कहा विनीत सर से, उसके बाद विपुल सर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं यहाँ आया। दे आर वेरी इंस्पायरिंग, 2 दिन की ट्रेनिंग की और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ ट्रेनिंग करके। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से समस्तीपुर ज़िले का एक लड़का अनुकूल राय अपनी प्रतिभा को पहचान के मुंबई इंडियंस में आज के डेट में खेल रहा है, वो भी एक वकील का लड़का है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस तरीके की प्रतिभा को वहाँ पे समस्तीपुर ज़िले में उत्पन्न करूँ, और सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी इस चीज़ को जो है सो लोगों को इसके प्रति जागरूक करूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ में एक और शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मुकेश जी, चलिए सुनते हैं इनसे भी इनका एक्सपीरियंस। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जैन, से पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ टीम 360 का, जिन्हें हमें यह काम करने के लिए प्रेरित किया है, और विशेषकर मैं MD साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और साथ में मैं विनीत सर और अंजू मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं खास कहने के लिए आया हूँ कि भाई पैसा तो हर बिजनेस में है, और हो सकता है इससे ज़्यादा दूसरे बिजनेस में भी मिलता होगा, पैसा मिल सकता है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जिसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये लगा मुझे कि हम इस बिजनेस को करके और इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे कुछ सीख के और कुछ अपने आप को आगे बढ़ा सके। और उसके साथ साथ ये है कि अपने माँ बाप को भी वो कुछ बता सकते हैं कि भाई हमारे में भी है एबिलिटी। जो आज माँ बाप तंग होते हैं कि भाई हमारा बच्चा नहीं करता है, वो नहीं करता, तो इससे जुड़ने के बाद में उनकी ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी का, MD विशेषकर MD साहब का, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ में हमारे साथ में मधुकर जी सर यहाँ मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र से इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम इनसे भी इनके एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत अच्छा लगा आज इतने सब सुन के, बहुत अच्छा लगा। एक तो पता नहीं था कि पुराणों में लिखा है हम लोग को 33 करोड़ भगवान ये पृथ्वी पे है, मगर ये राम से हम लोग कब रावण हो गए ये पता नहीं चला था। अभी पता है कि ऐसे कुछ है देन कि जो मिडमेन है, नहीं तो DMIT टेस्ट हो, जब अपने को अपन वापस राम रावण से राम बना सकते हैं। अपना ये जो मिड ब्रेन, अभी मैं बोलता हूँ मेरे लिए काम भी नहीं है, बच्चे लोग के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रयास करेंगे तो सब कुछ सबको पॉसिबल है, ये मुझे लग रहा है। इसमें जब तक माँ बाप
नहीं बोलते, नहीं मुझे मुझे एक राम जैसा बेटा चाहिए। जब तक माँ कौशल्या और दशरथ नहीं आते तब तक राम नहीं आएगा। तो माँ बाप को जब तक नहीं समझेगा तब तक ये अपने को बेटे को कुछ नहीं समझेगा। इसके लिए एडमिशन लेना है, हमें बिजनेस करना है, तो माँ बाप को अच्छी तरह से ढंग से समझाना है, ये सबसे बड़ी बात है, ये मुझे लग रहा है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। और इसी क्रम में अब मैं निवेदन करना चाहूँगी अनिल जी से, जो कि कर्नाटक से यहाँ आए हैं। तो आइए हम रूबरू होते हैं इनसे भी, प्रोग्राम के बारे में आपने क्या सोचा, क्या सोचकर आप यहाँ तक आए, और अपना क्या फ्यूचर विजन आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं सर से। 360 डिग्री टीम्स को, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब पर ये वीडियो देखा था मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, लेकिन मुझे एक ही नहीं होता कि ये पॉसिबल है क्या बोल के। बाद में क्या है सर, विनीत सर जी से मेरा बात हुआ, तो आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को आके देखिए, आपको इसके बारे में अच्छे से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं बोले। तो हम सर इधर सर के यहाँ ऑफिस में ऑफिस को विज़िट किया, तो सर हमें बहुत अच्छा इधर ट्रेनिंग हुआ, तो इससे हमें उम्मीद तो जाएगी कि बच्चों को हम उनके लाइफ में एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो इसलिए हम मैं पूरा 360 डिग्री टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे बात करने के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ में तीर्थेश जी सर यहाँ पे मौजूद है, और महाराष्ट्र से ये यहाँ पे आए हैं, तो हम जानेंगे इनसे कि दो दिन की ट्रेनिंग में आपने सर क्या कुछ यहाँ पे सीखा, और क्या सीखकर आप अपने प्लेस पे जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो अपने प्लेसेस पे किस तरह से वहाँ के लोगों को आप लाभान्वित करेंगे, तो चलिए आइए सुनते हैं इनसे। सर और थैंक यू ट्रीम 360। मुझे मेरे पापा ने मुझे बताया था मिड ब्रेन और DMIT करके होता है, लोग ब्लाइंड फोल्ड करके बताते हैं, बट हम लोगों को पहले कुछ यकीन नहीं हुआ था, हम लोगों को लगा ऐसा यूट्यूब पे प्रैंक होते वैसे सब होगा, बट नहीं, ये इधर आके हमको समझ गया है कि ऐसा भी होता है ट्रेनिंग करके। और अभी हमने को इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला है सबसे कि हमारे मुंबई जाके सब मेरे फ्रेंड्स को फैमिली का सब ट्रेनिंग लेंगे, और ख़ुद भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ट्रेनिंग लेंगे। थैंक यू। मैं निवेदन करना चाहूँगी कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव संध्या जी से, इन्होंने हाल ही में अभी ज्वाइन किया है, तो चलिए हम सुनते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू अंजलि मैम। मैं संध्या सैनी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे टीम 360 के साथ जुड़ने का मौका मिला है, और मैं टीम 360 में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर काम करती हूँ। और मैं अपने फ्रेंचाइजियों को बताना चाहूँगी कि DMIT और मिड ब्रेन के बारे में मैं उनको एक गुर बताना चाहूँगी कि वो जब तक उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हो, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से होगी तभी वो सामने वाले व्यक्ति को लच्छेदार तरीके से कुछ बता पाएंगे। इसके अलावा सभी फ्रेंचाइजियों को मैं बताना चाहूँगी कि जब वो यहाँ से जाएँ तो यहाँ से जाने के बाद में वो DMIT और मिड ब्रेन की एक स्क्रिप्ट तैयार कर लें 10 मिनट की, उस स्क्रिप्ट को वो 100 बार पढ़ लें ताकि वो धुआंधार तरीके से लोगों को समझा पाएँ, जिससे कि उनका जो हृदयांगन हो। और दूसरा सूत्र ये है कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट पर विश्वास ज़रूरी है, आपको प्रोडक्ट पर जब विश्वास होगा तभी आप प्रोडक्ट से प्यार कर पाएंगे, और उतने ही प्यार से आप सेलिंग कर पाएंगे, और अगर आप विश्वास करेंगे तो ही आप जोश और जुनून के साथ ये काम कर सकते हो। इसके अलावा सेलिंग बहुत ही अच्छा काम है, आप जोश और जुनून के साथ सेलिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी कंपनी की जनरल मैनेजर मार्केटिंग अंजू जी से, और इन्हें भी जो है कंपनी में आज एक साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, सुनते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। साथ में ये हमारी IB फ्रेंचाइजीज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करती है, तो आइए चलिए सुनते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो मच अंजलि मैम, सबसे पहले तो आज आई भी हमारी सभी फ्रेंचाइजियों को तहे दिल से मैं बधाई देना चाहूँगी कि आज उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आज इनकी ट्रेनिंग ली, लेकिन बहुत ही जोश और जुनून के साथ, इनमें एनर्जी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और मुझे पूरा उम्मीद है
कि जो इन्होंने आज सीखा है इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ ये अपने प्लेस पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। साथ ही में जैसे मैम ने कहा कि मुझे एक साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं टीम 360 के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी खुद को ही कि मैं इतना अच्छा डिसीज़न लिया मैंने और टीम 360 मैंने ज्वाइन की और फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी कंपनी से जुड़ी। साथ ही में विपुल सर, डीडी सर, विनीत सर, एनके सर, इन्हें मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकती हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, इस कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन दी है, बहुत कुछ सिखाया है। खासकर विपुल सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और एमडी सर ने मुझे बहुत कुछ, मेरी गलतियों को माफ़ किया है और मुझे कहा है कि नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव हो, जैसा होगा देखा जाएगा, आप करते रहो। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं टीम 360 के साथ जुड़ी हूँ। साथ ही हमारे टीम मेम्बर्स अंजलि मैम, सपना मैम, विनय सर, रवि सर, दीपक सर, सभी इतने सपोर्टिव है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इतने टीम भावना के साथ हम वर्क करते हैं। साथ ही में मुझे बहुत खुशी होती है कि हम एक अच्छा वर्क कर रहे हैं जिससे कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट होता है, काफ़ी लोगों का, बच्चों का करियर इससे बन सकता है। और हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को बस यही कहना चाहूँगी, आपने जो चीज़ सीखी है उसे ऐसा नहीं है कि आप जाके घर पे रख के छोड़ दें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी लैंग्वेज पे कमांड आएगी और एक तरह से आपको नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए लाभान्वित कर सकेंगे। थैंक यू। में हमारे साथ में इंदर कुमार जी सर यहाँ पे मौजूद है, जो कि एमपी से इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। दो दिन की ट्रेनिंग सेशन इन्होंने बड़े ही जोश और जुनून के साथ में अटेंड की है, तो आइए सुनते हैं हम सर से इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले मैं आप सब लोग के साथ में हाथ जोड़ करके विनम्र सबको प्रणाम करता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद और धन्यवाद भी देता हूँ कि आज हम आपकी वजह से यहाँ आए। और मैंने सबसे पहले YouTube पे देखा था दो दिन पहले, तो आधा वीडियो देखते ही मेरा निश्चय हो गया कि बिल्कुल मुझे जाना ही है। मैंने तुरंत कॉल किया और सर से बात की, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया और मेरी समझ में आ गया। मैंने शाम को ही गाड़ी पकड़ ली, देर नहीं की, बिल्कुल देर भी नहीं की, और आज मैं जो है आपके यहाँ आकर ये दो दिन की ट्रेनिंग के लिए मैं आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भी, हमारा प्रदेश भी, हमारा ज़िला भी सब आगे बढ़े, तो ये मैं भरपूर अपने तन मन धन से इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दूंगा। और इसके लिए मैं अंजू मैम ने वर्कशॉप के डांस में सबको थका दिया, ऐसा डांस करवाया, सबको थका दिया और थक जाने के बाद भी सबको सवासन पे लिटा दिया। सवासन थी। ये दो लाइन लिखी है टीम 360 में आने से इतना तो मैं समझ गया, अब मेरे गुनाह के बच्चों का भाग्य तो अब जाग गया। चक्र खुल गया, कभी तक सर आपके लिए निवेदन। सर मैं डीजी शर्मा जी के लिए, हमारे डायरेक्टर मैनेजर साहब के लिए, शर्मा जी का, एमडी साहब शर्मा जी का बहुत बहुत आभार है कि जिनका हमको मिला अत्यधिक प्यार है, बहुत आभारी हैं, आपका प्यार मिला। हाँ सर, हाँ विनीत शर्मा जी हैं, विनीत शर्मा जी, मुझे थोड़ा थोड़ा नाम है, आप मत करना, जिन जिन का मैंने नाम थोड़ा थोड़ा, मुझे विनीत शर्मा जी टेक्निकल ट्रेनिंग के सम्राट हैं, विनीत शर्मा जी टेक्निकल ट्रेनिंग के सम्राट हैं। विपुल शर्मा जी का क्या कहना, मार्केटिंग के आधार हैं। अंजू मैम का तो मैंने बता ही दिया था अपना नाम। अब टीम 360 की अन्य सभी टीम की तारीफ में शब्द नहीं मुझे मिलते, टीम 360 की अन्य सभी टीम वालों के लिए, अब मैं नाम तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ, सभी टीम की तारीफ में शब्द मुझे नहीं मिलते हैं। पूरी टीम को नमस्ते, राम राम,
और राधे राधे कहते हुए जाते हैं हम हंसते हंसते। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस उम्र में भी आपने अपना जोश और जुनून नहीं छोड़ा, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि जिस जोश और जुनून के साथ में आपने दो दिन की ट्रेनिंग को अटेंड किया, उसी जोश और जुनून के साथ में अपने प्लेस पे जाकर के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। और इसी क्रम में अब मैं निवेदन करना चाहूँगी सर्वेश जी बंसल जी से, और चलिए सुनते हैं इनसे भी कि दो दिन की ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। लीजिए, टीम 360 का बहुत और उससे ज़्यादा धन्यवाद आए मुझे और इसकी ट्रेनिंग दिलवाई। इस दो दिन की ट्रेनिंग के अंदर मुझे एक सार बहुत अच्छी तरह समझ में आया, वो यह है कि ज्ञान तो हम बहुत जगह से पा लेते हैं, लेकिन अगर उसका आधार स्तंभ, ज्ञान का आधार स्तंभ विज्ञान और आध्यात्म के साथ हो, तो तरक्की की राह में कोई भी रोड़ा नहीं आएगा और हम बेहतर कर सकेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में महेंद्र जी सर भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है, और चलिए आइए सुनते हैं हम इनसे भी दो दिन की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, और तो आइए चलिए सुनते हैं इनसे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू अंजलि मैम। एक्चुअली मेरा नाम महेंद्र है, हम लोग महाराष्ट्र से हैं, मैं मेरे मामा मिस्टर मधुकर जी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर लेके आया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ये यूट्यूब के जो 360 टीम के वीडियोज़ है वो शेयर किए थे, वो कंटिन्यूस सारे वीडियोज़ मैं देख रहा था। वो देख के उसमें मैंने बहुत कुछ देखा, ये मीट बैन होता है, ब्लाइंक फोल्ड होता है, ये सारी चीज़ें होती है, पर यूट्यूब पे देख के वो सारी चीज़ें हम समझ नहीं पाते कि वो सच है कि वो झूठ है। तो उसके बाद में जब उन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूट में बात की, उसके बाद में हमारी अपॉइंटमेंट बुक की थी, दो दिन से हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब कहीं जाके पता चला कि ये सारी चीज़ें जो आप भी देख रहे हो YouTube पे, वाकई में ये सारी की सारी चीज़ें सच है और एक्चुअली ऐसे होता है। दो दिन का ट्रेनिंग हमने लिया हुआ है यहाँ पे, इससे ठीक है ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि ये जो डीमाइटी टेस्ट होता है या फिर मिड बेन जो होता है, ये बच्चों को इनकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको छोटे से एज में ही अगर पता चल जाता है कि आपको कौन से रास्ते में जाना है, तो ये चीज़ आपको उस चीज़ के लिए हेल्प कर देती है, आपका वे प्रॉपर पकड़ लेते हो और आगे चल के आप सक्सेसफुल बन जाते हो। तो मेरी सब पेरेंट्स से यही गुजारिश रहेगी कि ऑफकोर्स एक बार ही आप यहाँ पे आके देख लो, ये मिड ब्रेन या फिर डीमाइटी टेस्ट ये करवा लो अपने बच्चों का, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है उनके फ्यूचर के लिए भी, और ऑफकोर्स उसकी वजह से अपना इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर विनय जी से, और निवेदन करूँगी सर से कि आप यहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी द्वारा बुलाए जाने पर सेमिनार के लिए वहाँ जाते हैं, और हमारी फ्रेंचाइजीज भी आपसे काफ़ी लाभान्वित होती है, तो मैं निवेदन करूँगी कि आप सेमिनार में किस तरीके से हमारी फ्रेंचाइजीज की जो है हेल्प करते हैं, तो थोड़ा सा हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी फ्रेंचाइजीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक नए बिज़नेस की शुरुआत की टीम 360 के साथ जुड़ के, और जैसा कि अंजलि मैम ने कहा कि बिल्कुल मैं जाता हूँ सेमिनार के लिए, जितनी भी फ्रेंचाइजीज यहाँ मौजूद हैं वो जो भी हेल्प उनको चाहिए होगी मार्केटिंग से रिलेटेड, सेमिनार से रिलेटेड, उनकी हेल्प करने के लिए टीम 360 हमेशा अपनी टीम वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर हम जाते हैं वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए, हम लोग उनके साथ मिलके प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, वहाँ पे एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ से ऐसे स्टूडेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रेंचाइजी के पास में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो हम लोग उनको लाभ देने के लिए वहाँ पर लाइव डेमोस्ट्रेशन लेके जाते हैं यहाँ से बच्चों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें उस चीज़ से। वहाँ पे लाइव डेमोस्ट्रेशन होता है बच्चों के सामने, पेरेंट्स के सामने, और हम लोग उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी उन्होंने चीज़ें सीखी ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, इन्होंने दो दिन रूम में बैठ के और बच्चों के साथ ट्रेनिंग करके प्रैक्टिकल नॉलेज जो है बच्चों के साथ ली है ओनली क्लास की, लेकिन जो फील्ड वर्क है वह एक्चुअल में जब हम लोग जाते हैं सपोर्ट के लिए तो इनको प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग प्रोवाइड
कंप्लीट करवाते हैं, जिससे इनको काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी चीज़ें इनको सीखने को मिलती है। और अभी रिसेंटली आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से टीम 360 एक के बाद एक स्कूल्स में जा रही है फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट करने और इसका लाभ उठा रहे हैं लोग। तो बस मैं हमारी फ्रेंचाइजीज को यही मैसेज देना चाहूँगा, जाएं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, और जब भी आप टीम 360 को याद करेंगे वो यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर होगा। थैंक यू। साथ में मैं अब निवेदन करना चाहूँगी कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर एनके शर्मा जी से, जिन्होंने 15 सालों तक अपना समय जो है कॉरपोरेट सेक्टर में दिया और 12 सालों तक सर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। पिछले 4 सालों से सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमें जो है अपनी सेवाएँ देते रहते हैं। और मैं निवेदन करूँगी कि सर आप अपना टीम 360 के साथ जुड़कर आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे दर्शकों के सामने शेयर करें। पहले तो जो हमारे फ्रेंचाइजी आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है और राजस्थान से भी हैं, उन सब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी कंसेप्ट को सुना और इतनी दूर आए हैं और 2 दिन ट्रेनिंग लिए और उसमें काफ़ी जोश जुनून के साथ इसमें उन्होंने भाग लिया है, जो कि मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है। मैं हमारी कंपनी के MD सर से DD शर्मा जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस टाइप के जो भी सेमिनार होते हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं या हमारे जो फ्रेंचाइजी के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मुझे बुलाते हैं और मुझे भी उसमें बहुत अच्छा लगता है कि फील करके कि किस तरह से डिफरेंट प्रदेश के लोग आते हैं ये करते हैं। मेरा जुड़ाव इस ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 4 साल पुराना है। वैन फर्स्ट टाइम विपुल सर, विनीत सर, दे केम टू माई स्कूल वेयर आज वर्किंग एज ए वाइस प्रिंसिपल, दे हैड अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिड बैंड एक्टिवेशन। टू बी ऑनेस्ट आई कुड नॉट बिलीव द वेरी फर्स्ट डे, हाउ इट इज़ पॉसिबल ए चाइल्ड ब्लाइंड फोल्डेड कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ द बुक एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। लेटर ऑन द वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड फॉर 12 संडेज, आई माइन्यूटली ऑब्जर्व, आई चेक द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, देन ओनली आई कुड बिलीव येस दिस इज अ परफेक्ट साइंस, नथिंग मैजिक इन दैट। And through the DMRT report, all the hidden talents of the child can be brought forward and we can come to know which particular mode is suitable for the child to learn and what are the potentials which are hidden in the child. If those potentials can be properly utilized by the school people, by the parents, certainly it can be a big service to the child, and if every child is given this kind of facility, certainly our country will come to the top on the world, and we can also produce more and more scientists, more and more engineers, and more chartered accountants, doctors and other people of our country. And in the last, I want to say that one study was conducted in Japan. Those who undergone the mid-brain program 25 years back, after 20 years, the study was made on 18,000 persons, and all of them have become multi-millionaire. So we can say with the confidence that if our franchisees are going to pressurize on their concept, certainly those who are undergoing the program after 20 years, they will also all become multi-millionaire, and our country will be very rich. We can compete with other countries like US and European countries. We are nowhere lower than all those countries, and that's all I want to say. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और हमारी IV फ्रेंचाइजीज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया और इतने दूर दराज से चल कर के आप लोग यहाँ तक आए। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और निवेदन करती हूँ आपसे और आपको, मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम 360 आपको ये विश्वास दिलाती है कि एक कदम आपने बढ़ाया है तो 4 कदम कंपनी आपके साथ बढ़ाने को तैयार है, और अपने अपने प्लेसेस पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में लाभान्वित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। आपने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।